नमस्कार। अनुदेशक नियमितीकरण को लेकर आज की बड़ी खबर, शादी अनुदेशक मध्य 17,000 कोर्ट अपडेट लेकर हाजिर हैं आज के इस बुलेटिन में। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ खास अनुदेशकों के लिए घोषणाएं हुई आज की ताज़ा खबर में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। पुनः स्वागत है आप सभी का। खबर अब विस्तार से, आंखों देखा हाल अनुदेशक न्यूज पर आज किया गया नियुक्तिकरण घोषणा का लाइव समाचार हम आपको दिखा रहे हैं। क्या भाषण दिया है, क्या कहा गया, अनुदेशकों का नियुक्तिकरण हम करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री, ये सटीक और वीडियो सहित सही खबर आ रही है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। दो खबरें जुड़ी हुई हैं जो हम बारी बारी से आपको दिखाएंगे। किसी का याद आ गया कि सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, मादरे हिंद के सब लाल सगे भाई है। अनुदेशकों, तुम्हारी मांग है, हम समाजवादी लोग आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं। अनुदेशकों को नियमितीकरण करने के लिए भी रास्ता खोलने का काम करेंगे। और हमने पहले ही बोला है, इस बार कोरोना में अगर सबसे ज्यादा चौपट कोई चीज हुई है तो हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, प्राथमिक शिक्षा भर्ती करने का काम भी हम लोग करेंगे। 57,000 लोग हैं जो पहले से मांग कर रहे हैं, और हमारे नौजवान जानते होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग 11 लाख पद खाली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली है। समाजवादी सरकार इन पदों को भरने का काम करेगी। ये बीपीएड वाले जानते होंगे, अपने नेताओं से पूछना, आपकी मदद सुप्रीम कोर्ट तक समाजवादियों ने की है। समाजवादी सरकार आपको नौकरी देना चाहती थी, इस सरकार ने नौकरी नहीं दी। सरकार बनेगी तो बीपीएड वालों को भी नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शिक्षा मित्र वाले लोग, समाजवादी सरकार थी तो शिक्षा मित्र के लोगों को हम लोगों ने मानदेय बढ़ा करके उनकी मदद की थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया 17 में, वो थोड़ा गुमराह कर दिए गए बीजेपी के माध्यम से, उनका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। इसलिए शिक्षा मित्रों को हम कह के जा रहे हैं, बहुत सारे आपके परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं, कई परिवार के सदस्यों की जान चली गई, शिक्षा मित्रों को फिर मदद करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ये मैंने आपको कह दिया है कि कोरोना की वजह से। मित्रों, आज का ये समाचार आप सभी के लिए सच साबित हो, इस विचार के साथ आज का समाचार हम समाप्त करेंगे। प्रयासों के बल पर नए कीर्तिमान गढ़ते जाइए, परिश्रम को बनाकर सारथी आगे बढ़ते जाइए। नमस्कार, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। अनुदेशक न्यूज़, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।